नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मनीष। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने ट्रैक्टर पर मिनी जेसीबी बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपके जो भी सभी सवाल रहते हैं कि कितने एचपी का ट्रैक्टर होने वाला है, कितना खर्च आएगा, तो सभी का जवाब हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए किसान भाई। जी, मैं सोनालिका डीलर केकड़ी राजस्थान अजमेर से हूँ। ये हमारे कस्टमर हैं बाबूलाल जी, गुजर है, देवली थावला के रहने वाले हैं। और ये हमने 60 एचपी ट्रैक्टर पे बुल का V3 लोडर बनवाया है। और अगर किसी किसान भाई के 60 एचपी से नीचे का ट्रैक्टर है तो उसके अंदर भी हो सकता है ये सिस्टम? या इसके लिए जो 60 एचपी से नीचे के लिए जो छोटा साइज का एक एग्री बुल लोडर भी आता है, हम लोग वो एग्री बुल लोडर और बेखो दोनों आता है, वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं 50 एचपी ट्रैक्टर पे भी। तो बहुत सारे किसान भाई ने केवल आगे वाला ही देखा है, पीछे वाला हमने पहली बार देखा है इस इलाके में। और किसान भाइयों की मांग भी रहती है कि जो बिल्कुल एक तरह मिनी जेसीबी की तरह हो। हाँ, तो अगर कोई किसान भाई चाहता है कि हमें केवल पीछे का लगवाना, तो हाँ, उसके लिए पीछे का भी अगर 50 एचपी और 60 एचपी पे सेम साइज का अगर केवल बैको लगाना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है वो। तो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमारे पास पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर नहीं, तो पावर स्टेयरिंग होना जरूरी है या? हाँ जी बिल्कुल, आप अगर बैको और लोडर कुछ भी लगा रहे हैं तो उसके लिए पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सारा वेट है वो पूरा आगे के फ्रंट एक्सल पे जाता है, और फ्रंट एक्सल पे जाने के बाद में वो स्टेयरिंग टाइट हो जाती है, तो इसलिए पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर होना जरूरी है इसके लिए। और पीछे का जो बैक वाला किसान भाई लगाना चाहता है तो इसके लिए किसान भाइयों की क्या प्रोसेस रहेगी वो बताइए जी। बैकहो जो है इसका, वो अगर छोटा ट्रैक्टर पर लगाना चाहता है तो एग्री बैको और एग्री लोडर दोनों आता है। और अगर सेपरेट सेपरेट लगाना चाहते हैं कि बैको सेपरेट लगाना चाहते हैं और लोडर सेपरेट लगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो किसान भाई को ये भी बताइए एक बार इसकी क्षमता कितनी है एक घंटे के अंदर? इसकी क्षमता आप अप्रोक्सली 60 एचपी का है, और ये जो V3 लोडर है इसकी अप्रोक्सली जेसीबी 3DX के बराबर की कैपेसिटी है इसमें। और इसमें इवन इसका जो मेंटेनेंस है वो जेसीबी 3DX से भी कम मेंटेनेंस है। इसकी ऑयल कैपेसिटी 100 लीटर का टैंक है इसका ऑयल का, और लगभग एक घंटे में आप जो अपन जेसीबी से जो काम करते हैं वो उसके इक्विवेलेंट काम कर सकते हैं हम लोग। तो किसान भाई, अगर आपके आधा घंटा या एक घंटे का काम है तो जेसीबी वाला कई बार तो आता नहीं और कई बार मना कर देता है, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए यही होने वाला है। आप आराम से डीजल की बचत, एवरेज कितना देता है वैसे? एवरेज सर लोड के ऊपर 4 लीटर प्रति आर के हिसाब से ये इसका लगभग का एवरेज है। तो पीछे जो बैक लगा हुआ है इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को बता दीजिए। इसके जो पंप हैंडल वैंडल का जो सिस्टम है सेम जेसीबी वाला ही है, उससे कुछ अलग है? जी बिल्कुल, पूरा कंट्रोलिंग इसका जॉयस्टिक से, जो जॉयस्टिक कंट्रोलिंग है हम देख सकते हैं, चारों पांचों लीवर दिए हुए हैं इसके, वो चारों पांचों लीवर बिल्कुल जो जेसीबी कंट्रोलिंग है उसी टाइप से कंट्रोलिंग है। और इसके लिए आपको ऑपरेटर भी ट्रेंड ऑपरेटर की जरूरत होगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अननोन कोई भी आदमी इसको बैठ के चला सकता है, ट्रेंड ऑपरेटर की ही जरूरत होगी इसमें। तो जो किसान भाई चलाना जानता है वही मतलब, या वैसे बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि ये जो मिनी जेसीबी है आराम से 10-5 दिन में सीख जाते हैं। हाँ मतलब इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कंट्रोलिंग सारी जॉयस्टिक से कंट्रोलिंग दी हुई है और बहुत ही इजी कंट्रोलिंग है, ऐसा नहीं है कि, और सेपरेट सीट दी हुई है, बैको के लिए सेपरेट सीट है और ड्राइवर के लिए सेपरेट सीट है। तो इसके लिए कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सीख सकता है 10-15 दिन में अगर कोई ट्रेंड ऑपरेटर के साथ रह के वो सीख सकता है। और इसके मतलब जो पीछे वाला लगाना चाहता है किसान भाई, कोई जो भी लगाना चाहता है, उसका कितना बजट रहता है? देखिए हमने अभी तक सेपरेट कोई दिया नहीं है अभी तक, पर इसका एग्री वाला जो आता है वो छोटा आता है, उसमें अगर एग्री लोडर लगाना चाहते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए का लोडर का खर्चा है। केवल बैको लगाना चाहते हैं तो 3 लाख रुपये का बैको का खर्चा है, और ये कम्प्लीट सेट अगर लगाना चाहते हैं तो लगभग 9.5 लाख रुपये की इसकी प्राइस है। तो किसान भाइयों, इसको मेन बिल्कुल जेसीबी की तरह पूरे फीचर आपको जेसीबी वाले भी लेंगे, उससे अलग तो कुछ मिलेगा नहीं? नहीं नहीं, जेसीबी का सारा काम कर सकता है, इवन इसमें जो जैक सिस्टम दिया हुआ है वो भी जेसीबी का ही सिस्टम है, जैक सिस्टम भी, जिससे कि टायरों पे लोड। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और तो अगले वाला लगाना चाहता है अलग से तो उसकी क्या प्राइस रहेगी? उसकी हम जो ये वाला अगर सेपरेट इस सेम V3 लगाना चाहते हैं, सेम कैपेसिटी के साथ लगाना चाहते हैं, तो लगभग 5.5 लाख रुपये की रेट है। और अगर एग्री वाला जो छोटा है, इसकी हाइट लगभग 12.5 फीट की हाइट जाती है इसकी, जो कंपनी फिटेड हमारे डंपर आते हैं उसकी, उसको हम फिलिंग कर सकते हैं। और इससे छोटा अगर एग्री वाला लगाना चाहते हो आप, तो उसके लिए लगभग 3.5-4 लाख का खर्चा है उसमें। अगर कोई किसान भाई बोलता है कि हमको मिनी जेसीबी बना, उसके लिए किसान भाई के लिए क्या प्रोसेस रहेगी वो बताइए? नहीं, इसमें इजीली लोन भी अवेलेबल है, हम लोगों को फंडिंग पूरी अवेलेबल है, HDFC बैंक से हम लोगों ने इस पर फंडिंग करी है। ट्रैक्टर प्लस
जो मिनी जेसीबी है इसके लोन भी अवेलेबल है ये कंप्लीट, आप चाहें तो किसी भी कस्टमर को हम लोग लोन करवा सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट सरकार द्वारा सब्सिडी है या नहीं? अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसी कोई सब्सिडी नहीं। फाइनेंस की सुविधा किसान भाइयों को मिल जाएगी? फाइनेंस की सुविधा कंप्लीट इसमें मिल जाएगी, लगभग 80% फाइनेंस की सुविधा। अगर आप कोई बोलता तो आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग सेपरेट कंप्लीट पैकेज इसका पूरा दे सकते हैं। जैसे ये ट्रैक्टर जो दिया है हमने 60 HP वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में दिया है, और इसमें अगर 55 HP फोर व्हील ड्राइव में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट बेस्ट हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि 60 HP ट्रैक्टर पर। किसान भाई अगर आपके पास 60 HP का ट्रैक्टर होगा तो वो सबसे बेहतर होगा, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब मिले, और जो ये सर है इनके आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी किसान भाई ट्रैक्टर पर मिनी जेसीबी बनाना चाहता है इनके नंबर मिल जाएंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक जय जवान जय किसान।